हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 50+ ओल्ड एज वुमेन के लिए हेयर स्टाइल, जो कि रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 50+ एज वुमेन्स के लिए हेयर स्टाइल बताइए। तो आज मैं हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, बट मुझे कोई ऐसी वुमेन मिल नहीं रही थी, तो मैं खुद के बालों में बता रही हूँ। आप अगर 50+ हो, 40+ हो, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 50+ हो तो थोड़ा लो में आप हेयर स्टाइल बन बनाइएगा अपना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपने हेयर को इस तरीके से पार्टीशन कर ले रही हूँ। पार्टीशन करके ऊपर के हेयर को क्लचर की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर लेती हूँ। उसके बाद से जो मेरा यहाँ पे हेयर बचा हुआ है, बहुत ही हल्के हेयर बच गए हैं, तो यहाँ पे आपको एक रबड़ बैंड से इसको रबड़ बैंड को लगा लेना है। लो रबड़ बैंड लगाएंगे, लो पोनीटेल बना लेंगे यहाँ पे। ओके, देन एक डोनेट बन यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं तो आप डोनेट बन यहाँ पे ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपके थोड़ा ओल्ड एज वुमेन है, 40+ के बाद हमारे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी हेयर स्टाइल बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप डोनेट बन यूज करोगे तो आपका जो लुक है वो अच्छा आ जाएगा। इसके बाद से मैं इसको एक रबड़ बैंड से सिक्योर कर ले रही हूँ। रबड़ बैंड को डबल यहाँ पे लगा दे रही हूँ, जिससे कि हमारा डोनेट बन अच्छे से टाइटली लग जाए। और डोनेट बन को अच्छे से हाइड कर देना है अपने बच्चे हेयर से। बाकी हेयर्स को सिंपली इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट के और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको ये दोबारा से ओपन करना है हेयर को, फ्रंट से थोड़े थोड़े लेयर्स छोड़ देने हैं। ओके, बाकी बचे हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो बहुत हाई पफ आप में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप हाई पफ मत बनाइएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप एक क्लिप लेके, टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से अपने सारे बालों को होल्ड कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं अभी बता रही हूँ आपको, एक पतला वाला रबड़ बैंड ले लीजिएगा। ओके, पतले वाले रबड़ बैंड को यहाँ पे लगाएंगे बचे हुए सारे बालों में। ओके, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, एक हॉल करेंगे इसके अंदर, और सारे बालों को ऊपर से नीचे की तरफ से इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको खींच देंगे, जिससे कि आपका जो बन है उसका लुक अच्छा आ जाए। अब जो हेयर है इसको टू पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और बन के चारों तरफ इस तरीके से, चारों तरफ से बन के हेयर को लगाते हुए यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। तीन चार यू पिंस लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बीच में ख़राब ना हो जाए, या फिर जैसे आप पार्टी वार्टी में बना रहे हो ये बन, तो निकल ना जाए आपका हेयर स्टाइल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपके हेयर बचे हुए हैं फ्रंट से, अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो आप पहले इस तरीके से पार्टीशन करके थोड़ा थोड़ा हेयर लेके बैक कॉम्बिंग कर देना है। पतले दांते वाले बाल से कॉम से इसको बैक कॉम्बिंग कीजिएगा, जिससे कि जो हेयर हेयर है उसमें थोड़ा सा बाउंसनेस आ जाए और थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम दिखे आपके बालों में। अब इसको आप चाहो तो मिडल पार्टीशन से, चाहो तो साइड पार्टीशन से बना सकते हो। अब इस तरीके से करने के बाद में सिंपली आपको हेयर को ले लेना है, जिससे ऐसे कर दोगे तो आपका जो स्कैल्प है वो नहीं दिखेगा यहाँ पे,
और इसको ट्विस्ट करके इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सिक्योर कर देना है। इस साइड के भी हेयर को सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे अगर बेबी हेयर्स दिख रहे हैं, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इस तरीके से करना है। वाह, हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉम से इसको खींच रही हूँ, जिससे कि यहाँ पे वॉल्यूम दिखे, फ्लैट लुक ना आए बहुत ज़्यादा। इसके लिए अब यहाँ से इस तरीके से सिंपली आपको बालों को पकड़ना है, देन ट्विस्ट करते हुए बैक साइड में लेके जाना है सारे हेयर को। अगेन ऊपर से लेके आएंगे और बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सिक्योर कर देंगे। जहाँ से भी हेयर आपके दिख रहे हैं उनको अच्छे से आप हाइड, वो सॉरी, पिन से सेट कर लीजिएगा। और ये हमारा 50+ वुमेन्स के लिए हेयर स्टाइल बन के रेडी है, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई आपकी रिक्वेस्ट हो हेयर स्टाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस टाइप की और भी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो जिनका भी थोड़ा सा एज ज़्यादा है, पार्टी शादी में कंफ्यूज रहते हैं तो कि किस टाइप का हेयर स्टाइल उन पर जाएगा, सूट करेगा, तो ये हेयर स्टाइल आप बना उनको सेंड शेयर कर सकते हो। और अपने फ्रेंडों में भी, चाहे अपनी मम्मी, आंटी, चाची, सबके साथ ये हेयर स्टाइल शेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक और बात है, मेरा जो सेकंड चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उस चैनल को। और इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24, वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर मेरी फ़नी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। और जो सेकेंड चैनल है उस पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी प्लीज़ जाइए और सपोर्ट कीजिए उस चैनल को भी। जल्दी से जल्दी ग्रो करने में हेल्प कीजिए मेरी। और एफ बी, जिस भी सोशल मीडिया पे आप हो, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने जैकेट पहन ली थी। तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल साड़ी पे पहनो, जैसे ओल्ड एज वुमेन हो तो साड़ी या सूट ही आप पहनते होंगे, तो ये सारा हेयर स्टाइल, सॉरी, ये वाला हेयर स्टाइल उस पर सूट करेगा। तो आप जाके जरूर, सॉरी, ये हेयर स्टाइल उनको शेयर कर दीजिएगा, आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।